हेलो क्लास, इन आ प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन अ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ था, हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था नर्वस सिस्टम के बारे में, है ना, कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्व्स कितनी तरह की होती हैं, है ना, तीन तरह की नर्व होती है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, उसे कंट्रोल कौन करता है। सो आज हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले ब्रेन के बारे में, जो हमारे बॉडी का बहुत ही मेन पार्ट है ना, मेन ऑर्गन है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। The brain is the control center of the human body. The brain is like a super computer. कि जो brain है वो क्या करता है, हमारी सारी activities को control करता है और एक super computer की तरह होता है. Okay. It receives information from all the parts of the body through the different nerves. The brain weighs about 1.4 kg and contains million of tiny cells. कि अब देखिए brain कैसे work करता है, कि सारी के सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी हमें फील होता है, जो भी कुछ मैसेज होता है, वो नर्व्स के थ्रू हमें कहाँ से मिलता है, ब्रेन तक मिलता है नर्व्स के थ्रू, और ब्रेन जो क्या है उसके अकॉर्डिंग सर्टेन एक्शंस परफॉर्म करता है। अब ब्रेन का जो वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.4 केजी होता है, और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं, मिलियन सेल्स होती हैं। ओके, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द हार्ड बोनी सेल्स। The brain is at the top of the spinal cord. It has a 3 main parts. अब देखिए जो हमारा brain होता है ये सबसे ऊपर होता है, spinal cord के सबसे ऊपर के part में होता है, जहाँ पे spinal cord सबसे ऊपर ख़त्म होती है वहाँ से brain होता है। ओके, इसके अंदर क्या होता है, hard bone से protected होता है, जिसके कारण हमने पिछले lecture में भी, पिछले जो chapter था उसमें भी study किया था कि 8 जो होती हैं वो interlock जो bones होती हैं उसके अंदर होता है brain, जिसके कारण वो बहुत ही हाईली प्रोटेक्टेड होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन इज, फर्स्ट सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट्स सरफेस हैज़ डीप फोल्ड्स। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और इसके अंदर क्या होते हैं, डीप फोल्ड्स होते हैं। ओके, इट हैज़ डीप फोल्ड्स, इट कंट्रोल्स आर सेंस ऑर्गन्स, इट इज़ द सेंटर ऑफ आर इंटेलिजेंस, इट ऑल्सो कंट्रोल मेमोरी, थिंकिंग एंड रीजनिंग। कि जो ये ब्रेन का जो ये वाला पार्ट होता है ये क्या हेल्प करता है हमारे पास में, सेंस ऑर्गन्स के जो इंस्ट्रक्शंस आती है उनसे भी डील करता है, और जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारे हम इंटेलिजेंस हम यूज़ करते हैं, जैसे कहीं पर भी हम बोलते हैं, हम किसी को बोलते हैं ना कि इंटेलिजेंट है, तो वो इंटेलिजेंस जो है वो हमारी इस पार्ट में स्टोर होती है, जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है वो भी, जो हम याद रखते हैं वो भी, रिमेंबरेंस भी, ये सब कुछ किस में होता है, ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट में होता है। सेरिब्रम देखिए ये वाला पार्ट को हम सेरिब्रम बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास में जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है आपकी बुक्स में भी है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। नाउ नेक्स्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, बिलो द सेरिब्रम लाइज इन द सेरिबेलम, इट कोऑर्डिनेट्स द एक्शंस ऑफ द मसल। कि जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम के जस्ट नीचे जो सेरिबेलम लाई करता है, और ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक्शंस ऑफ मसल, मसल के जो एक्शंस होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, मेकिंग देम वर्क टुगेदर। क्योंकि जो हमने जैसे स्टडी किया था कि दो मसल्स जो हैं वो क्या करती हैं, इकट्ठा वर्क करती हैं, है ना, दो मसल्स इकट्ठी वर्क करती हैं, तो उस टाइम ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है कि कौन सी मसल को कैसे मूव करना है, तो वो किस में कौन मदद करता है, सेरिबेलम। ओके, इट हेल्प्स अस इन बैलेंसिंग आवर बॉडी एंड कीपिंग अस इन अपराइट पोस्चर। कि हमें वो किस में हेल्प करता है, जो हम अपराइट पोजीशन, पोस्चर मींस जो स्टैंडिंग पोस्चर में हम खड़ते हैं, तो वो कौन हेल्प करता है हमें, वो इंस्ट्रक्शंस हमें सेरिबेलम देता है। सेरिबेलम कैसा दिखता है ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है हम इसको सेरिबेलम बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये है कौन सा, सेरिबेलम। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज मेड्यूला। बिलो द सेरिबेलम लाइज द बल्ब शेप्ड मेड्यूला। ओके, इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड। ये जो पार्ट होता है ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट करता है, ये देखिए यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या, मेड्यूला। ये क्या करता है, स्पाइनल कोड के साथ में हमारे कनेक्ट करता है ब्रेन को। आगे देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक मूवमेंट्स ऑफ लंग्स एंड हार्ट, द मेडुला इज एक्टिव इवन व्हेन वी स्लीप। ये क्या हेल्प करता है हमें, जो हमारे ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं लाइक हार्ट का जो पंपिंग होता है वो,
लंग्स का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है सांस लेते समय, ब्रीथिंग के समय, तो वो क्या कौन करता है? मेडुला परफॉर्म करवाता है. और इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं तो मेडुला तब भी वर्क कर रहा होता है ना. जब आपने देखा होगा सोते समय भी हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो किसकी वजह से करते हैं? मेडुला की वजह से करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स की सेंसेशन कैसे होती है, सेंस हम कैसे करते हैं. ओके, सो नाउ सेंस ऑर्गन्स आर लाइक, वी हैव अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स इन आर बॉडी विच मेक अस अवेयर ऑफ आर सराउंडिंग्स. दे आर लाइक आर विंडोज टू द वर्ल्ड. देखिए कि जो हमें क्या करती है, फील करने में और देखने में हेल्प करती हैं, और ये हमारे लिए किस तरह वर्क करती है, विंडोज ऑफ द वर्ल्ड है ना, कि विंडोज होंगी, विंडोज से हम क्या करते हैं, बाहर देखते हैं. उसी तरह ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमें बाहर फील करने में और बाहर देखने में हेल्प करते हैं. थ्रू देम वी आर एबल टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच. कि क्या करते हैं, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना एंड सुनना, ये सब हम किससे करते हैं, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू करते हैं. तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्गन है वो है हमारे पास में आईज, सेकेंड इज ईयर्स, थर्ड इज नोज एंड फोर्थ इज टंग एंड फिफ्थ इज स्किन. सो फाइव है हमारे पास में. सो आज के लेक्चर में आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं सेंस ऑर्गन दी आईज, और इसके बाद हम क्या करने वाले, उसकी केयर के बारे में बात करने वाले हैं. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द डायग्राम ऑफ द आई. ओके,